31 जनवरी 1961 ये वो समय था जब पहली बार इंसान ने किसी चिंपैंजी को अंतरिक्ष में भेजा था। इस चिंपैंजी की वजह से ही हमें पता चलने वाला था कि स्पेस में अगर इंसान को भेजा जाएगा तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा। इस चिंपैंजी का नाम हैम था, जिसे US एयर फोर्स ने महज 2 साल की उम्र में खरीदा था और इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए ट्रेनिंग भी दिए जा रहे थे। हैम दूसरे चिंपांजियों के मुकाबले किसी भी ट्रेनिंग को जल्द ही सीख लेता था, जिस कारण से नासा ने हैम को अंतरिक्ष में भेजने का डिसीजन लिया। हैम धरती से 317 किलोमीटर ऊपर 16.5 मिनट अंतरिक्ष में रहा। तीव्र गति और भारहीनता के बावजूद हैम ने कैप्सूल के अंदर अपने कार्यों को सही ढंग से किया और अंत में इन एक्सपेरिमेंट के बाद हैम का कैप्सूल वापस धरती पर अटलांटिक महासागर में लैंड किया। एयरफोर्स की रिकवरी टीम ने जब कैप्सूल को निकाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हैम अभी भी जिंदा था। इस मिशन की सफलता के बाद 1963 में हैम को द नेशनल जू में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां वो 17 साल तक अकेले रहा और अंतरिक्ष में जाने के 22 साल बाद 1983 में हैम की मृत्यु हो गई।